डॉक्टर सदफ खालिद ओवरसीज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 की एमएस कैटेगरी यानी 30 साल से जायद उम्र की खवातीन की कैटेगरी में मुंतखब हुई हैं। इस कैटेगरी में इन खवातीन को मुकाबले में मुंतखब किया जाता है जिनकी उम्र 30 साल से जायद हो, गैर शादीशुदा हों और अपने करियर पर फोकस कर रही हों। डॉक्टर सदफ इस वक्त यूके में रिहाइश पजीर हैं। वो आजकल पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, जहां इन्होंने आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जिनमें जरूरतमंद अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। लाहौर में ही इन्होंने एक पसमानदा इलाके में सहूलियात से महरूम स्कूल का दौरा किया। स्कूल की हालत बहुत ही खराब थी जिसे इन्होंने नए सिरे से पेंट करवाया और स्कूल की हालत को दुरुस्त किया। स्कूल के बच्चों ने डॉक्टर सदफ का भरपूर इस्तकबाल किया। डॉक्टर सदफ बच्चों में घुल मिल गयी। मिस पाकिस्तान 2022 ने बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम किए। सोनिया अहमद सदर मिस एंड मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ने कहा, ब्यूटी क्वीन होने का मकसद सिर्फ बैनुल अक्वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना नहीं है बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान के लिए काम करना भी है। हम अपने तमाम जीतने वालों को ये लाजमी बताते हैं कि वो खुद पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अच्छे और बामकसद काम करके मुल्क की खिदमत करें। डॉक्टर सदफ खालिद इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं कि हम किस तरह पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करते हैं। मेडिकल कैंप से लेकर स्कूलों के साथ काम करने तक हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए अव्वल नंबर पर है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।